कोरोना के बारे में सोचना और उससे डरना भले ही आपने छोड़ दिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना वायरस का खतरा कम हो गया है, बल्कि अब और ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए हमारी आपको यही सलाह है और गुजारिश कि कोरोना से बचकर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और मास्क पहन कर रहिए। चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस जैसी गंभीर मुसीबत दी और इस मुसीबत का इलाज दुनिया भर के वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। पूरी दुनिया में वैक्सीन क्रांति की कोशिश जारी है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वैक्सीन कितनी तेजी से बाजार में आ सकते हैं। इस समय 37 वैक्सीन ऐसे हैं जिनका ट्रायल इंसानों पर चल रहा है और कम से कम 91 वैक्सीन ऐसे हैं जिन्हें जानवरों पर टेस्ट किया जा रहा है। फेज वन में 24 वैक्सीन है, फेज टू में 14 वैक्सीन, फेज थ्री में 9 वैक्सीन, इसमें से 3 वैक्सीन ऐसे जिन्हें ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होने से पहले आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। लेकिन कोई भी ऐसा वैक्सीन नहीं है जिसे पूरी दुनिया मंजूरी मिली है। इसमें पहले उस वैक्सीन की बात करते हैं जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। सितंबर के दूसरे हफ्ता के बाद यह पता चल जाएगा कि ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय के सुपर वैक्सीन कोविशील्ड वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाएगा या नहीं। पहले और दूसरे चरण के परीक्षण में वैक्सीन सुरक्षित पाया गया है। इससे शरीर में एंटीबॉडी बनाने में कामयाबी पाई गई है। इस वैक्सीन के परीक्षण से इंग्लैंड के अलावा भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका में हो रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि यह वैक्सीन अक्टूबर से इमरजेंसी टीके के तौर पर इस्तेमाल की जा सकेगी। अमेरिका में मॉडर्ना और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ दोनों मिलकर कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिश में जुटे हैं। 27 जुलाई को इसके तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हुआ था। ट्रंप प्रशासन ने इसके लिए $1 बिलियन की मदद भी दी। अब उम्मीद है कि 22 अक्टूबर से पहले इस वैक्सीन का शुरुआती डेटा आ जाएगा। जर्मन कंपनी बायोजेक, न्यूयॉर्क के फाइजर और चीनी दवा निर्माता कंपनी फोसून फार्मा ने साथ मिलकर वैक्सीन विकसित करने की कोशिश की है। जुलाई में कंपनी ने फेज वन और फेज टू के नतीजे को सकारात्मक बताया। 27 जुलाई को इस कंपनी ने अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, जर्मनी सहित कुछ और देशों के 30,000 लोगों पर फेज टू और फेज थ्री का परीक्षण एक साथ शुरू करने की घोषणा की। ट्रंप ने इस वैक्सीन के लिए भी $1.9 बिलियन मदद में दिए हैं। 22 अक्टूबर से पहले इसका डेटा भी सामने आएगा। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के शोधकर्ताओं ने इस वैक्सीन को विकसित किया है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। 15 जून को फेज वन फेज टू का ट्रायल शुरू किया गया था। भारत के दो वैक्सीन मैदान में, पहला है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन जिसका दूसरे फेज का ट्रायल हो रहा है, तीसरे की तैयारी है और तीसरा फेज निर्णायक साबित होने वाला है। और दूसरा वैक्सीन है जायडस कैडिला का जायकोव डी, इसका भी दूसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। रूस के वैक्सीन पर भी पूरी दुनिया की नजर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी बेटी को रूस का पहला कोरोना वैक्सीन देकर सबको चौंका दिया था। अब रूस इस वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत से मदद की उम्मीद कर रहा है। रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल दिमित्रोव ने कहा है कि दुनिया के सभी वैक्सीन में से 60% का उत्पादन भारत में हो रहा है। रूस भारत के मंत्रालयों और उत्पादकों के साथ संपर्क में है ताकि रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन हो सके। आपको बता दें कि रूस के गमालिया इंस्टीट्यूट ने भी वैक्सीन बनाया है और ये अपने तीसरे फेज में है। इसे रूस ने मंजूरी दे दी थी और मेडिकल जर्नल लैंसेट ने भी इस वैक्सीन के ट्रायल्स पर अपनी मुहर लगा दी।